एबीपीएस न्यूज सच का साथी। भारत और चीन की सीमा पर मई से जारी तनाव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंचा। भारत चीन के बीच सीमा पर फायरिंग, पेंगोंग इलाके के पास वार्निंग शॉट फायर, 1975 के बाद पहली बार फायरिंग के घटना। चीन के साथ तनाव पर राजनीति तेज, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने केंद्र को घेरा, कहा एलएसी से लेकर गिरती अर्थव्यवस्था कुछ भी कंट्रोल में नहीं। रामगंगा में दो किशोरी डूबी, गोताखोर और पुलिस की तलाश जारी, कुंदर की थाना क्षेत्र के जेतवाड़ा गांव की घटना। 21 सितंबर को खुल जाएगा ताजमहल और आगरा किला, एएसआई ने जारी की गाइडलाइन, एक दिन में 5000 पर्यटकों को मिलेगा प्रवेश, ऑनलाइन की जाएगी टिकटों की बुकिंग। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान 6 दिन में 16 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा, 9 से 14 सितंबर तक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे शिवराज। संबल में अफसरों से आश्वासन के बाद भारतीय किसान यूनियन ने नहीं दिया धरना। रामपुर में जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। मुरादाबाद रामपुर हाईवे 0 पॉइंट पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक हुई चकनाचूर। मुरादाबाद के नामचीन चिकित्सक ने गांव वाले की जमीन महिला को बेचकर की धोखाधड़ी, दिल्ली निवासी महिला ने एसएसपी से की थी शिकायत। संबल में नगर पालिका कर्मचारियों के खिलाफ लोगों ने दिया उप जिलाधिकारी को ज्ञापन। नेशनल हाईवे 9 पर रोडवेज और ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत, 14 घायल, चालक की मौत। सपा एमएलसी एसआरएस यादव का कोरोना से निधन, पीजीआई के कोविड वार्ड में चल रहा था इलाज। यूपी के मेरठ में बन रहा था मौत का सामान, अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामदगी के साथ 140 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल। हिस्ट्री शीटर सभापति यादव के भांजे ने दी कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को धमकी, बोला मेरे मामा को कुछ हुआ तो कर दूंगा एनकाउंटर। देश में फैली बेरोजगारी के मुद्दे पर बेरोजगार युवकों ने प्रयागराज में ठीक शाम 5:05 तक थाली और ताली बजाकर सरकार के खिलाफ किया अनूठा प्रदर्शन, अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान खींचा। बाराबंकी में बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन, सरकार से मांग रोजगार दो या कफन दो। आगरा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास के इलाके को कराया गया खाली, 20 दमकलों ने 13 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। नोएडा में सवारी पहुंचाकर वापस लौट रहे कैब चालक से बदमाशों ने की मारपीट, बेटे का आरोप, जय श्री राम ना बोलने पर किया मर्डर, पुलिस का धार्मिक एंगल से इनकार।